नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से प्रशांत आर्ट के इस नए वीडियो में। और आज कस्टमर ने फोटो दिया है, वो अभी है दुबई में है, तो वो इंडियन, उनसे बातचीत की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका जो नेचर, बोलने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। कुछ अच्छे अच्छे कस्टमर होते हैं, उनमें गिनती कर सकते हैं इन कस्टमर का। और चलते शुरू करते इस ट्यूटोरियल को। कस्टमर ने फोटो दिया है, फोटो है ब्लैक एंड वाइट, ऊपर से डैमेज्ड और ऊपर से कुछ डिटेल जो यहाँ की मिसिंग है, शर्ट पूरे पूरा डैमेज है, तो इसको करना है। हेयर की कोई डिटेल नहीं दिख रही तो इसको करना है। देखते कैसे करना है, क्या करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। एंड तक वीडियो में बने रहिए, आपको नॉलेज मिलेगा। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं इस फोटो को। मैं शुरू करने से पहले इसको फोटो को मैंने रेनिमी ऐप से इन्हांस करके लिया है, जो इस प्रकार है। रेनिमी ऐप का और एक अच्छा फीचर आया है, जो फोटो का ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट भी एडजस्ट कर लेता है। अभी इसमें देखेंगे एकदम फेड फेड लग रहा है और उतने डिटेल नहीं है, तो रेनिमी ऐप से ये थोड़ा डार्क भी हुआ है, ऊपर से अच्छी डिटेल, एकदम क्लियर डिटेल निकाली है। और आगे का वर्क इसी पे करेंगे, तो इसके लिए मैं A4 पेपर लूँगा और A4 पेपर पे इस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले आप देख सकते कि फोटो की जो एंगल है वो मुझे तिरछा लग रहा है थोड़ा, तो पर्सपेक्टिव टूल लेके यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, एक कोना यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे, ये चारों कॉर्नर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद सिंपली ओके कर देंगे तो अब फोटो उतना कट होके सीधा होके आएगा। अभी फिलहाल फोटो एकदम तिरछा है, सीधा नहीं है, आंखों से आपको पता चलेगा। ये देखो सीधा नहीं, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे है, तो उसको रोटेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं ड्रग इसको नहीं, ये वाले फोटो को रेनिमी ऐप वाले क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। और कंट्रोल टी करके अपने हिसाब से इसका साइज एडजस्ट करना है थोड़ा। अभी ये तो फोटो तिरछा लग रहा है, तो हालांकि कंधे से थोड़ा तिरछा ही है, पर मेन आंखों का देखना है। एक तो ये सीधे लाइन में रखना है, ये आंखों से आपको पता चलेगा कि इसको सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऊपर से है फोटो का जो नाक है वो सेंटर में होना चाहिए। अभी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 22 मतलब 21 है, तो करीबन 10:30 के आसपास यहाँ पे सेंटर लाइन है, यहाँ पे तो 10:30 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाक होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये फोटो आ जाएगा सेंटर में, अभी इसकी बैकग्राउंड थी कि तो कोई ज़रूरत नहीं, तो पेन टूल लेके फोटो को कट कर लूँगा बैकग्राउंड। हालांकि हेयर स्टाइल भी क्लियरली नहीं दिख रही है, अंदाजे से सब करना है, बाद में उसको करेक्ट करना है। अभी इधर का कान तो डैमेज रहे, तो हम क्या करेंगे, इधर का कान थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, उसी को फ्लिप करके इधर डालेंगे। पहले रफली उसको कटिंग करना है। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल इंटर, 2% फेदर, इसको एक न्यू लेयर पे, नीचे वाले लेयर को हाइड कर लेता हूँ ताकि वो गड़बड़ होती है तो नीचे वाले रहेगी। इसके बाद अभी फोटो पे कोई टोन वगैरह है, दाग धब्बे, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे पीला पीला है, तो यहाँ पे भी थोड़ा रेड है, तो प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट करना है। इसके लिए मैं कंट्रोल यू करके इस डंडे को पीछे खिसकाऊँगा तो फोटो प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। इसके बाद मैं कंट्रोल एल दबा के, अभी देख सकते हैं कि पूरा डार्क फोटो है, इसको थोड़ा सा ब्राइट कर दिया, जो डार्कनेस है उसको डार्क कर दिया, और जो मिड टोन है उसको
ठीक करना है। ये हो गया, आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि फोटो के ऊपर दाग धब्बे हैं, तो उसको पहले वो निकाल देना है और बाद में इसे कलर और स्मजिंग करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्पॉट हीलिंग टूल लेके जहाँ जहाँ दाग धब्बे हैं उसको करेक्ट करूँगा। ठीक है, अभी इस शर्ट को तो हमें चेंज करना पड़ेगा, इसी के ऊपर खेलते बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नेट से डाउनलोड करके अच्छा वाला शर्ट जिसका जेब वगैरह हो पूरा हो, उसको हम इसकी फ़ोटो के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। फिलहाल अभी ज़्यादा फोकस करना है वो फेस के ऊपर करना है, तो वही देखेंगे हम क्या, इसको कलर करके स्मजिंग करके अच्छे से क्लीन करना है। इसको अलग लेयर पे लिया है मैंने और इसको थोड़ा मैं ब्राइट कर देता हूँ ताकि। ठीक है, ठीक है, इतना हुआ है। अभी इसको करना है कलर, कंट्रोल बी दबाया, 100%, येलो 50%, हाईलाइट में थोड़ा पिंक, शैडो में थोड़ा ग्रीन और शैडो में हम इसको कर देंगे माइनस थोड़ा सा। कंट्रोल यू दबा के थोड़ा सेचुरेशन, एक न्यू लेयर क्रिएट करना है, ब्लेंडिंग मोड कलर करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है और व्हाइट कलर सिलेक्ट करके जहाँ जहाँ नहीं चाहिए वहाँ का कलर माइनस कर देना है। ठीक है, इसको मर्ज कर देना है, सिलेक्टिव कलर में जाके यहाँ पे व्हाइट सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा पिंक कर देना है और रेड को थोड़ा सा। ठीक है, एक बेसिक कलर स्किन टोन हमने दे दिया है, अभी इसको हम करेंगे स्मज और बाद में हाईलाइट वगैरह ऐड कर देंगे। अभी फोटो डैमेज्ड है, उसको पहले सीधा करना ज़रूरी है। इसका एक डुप्लीकेट निकल के रखता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ी होती है तो बाद में ही ये रहे। ठीक है, सॉफ्ट राउंड ब्रश सिलेक्ट करके 50% फेदर स्ट्रेंथ रखा है और उसके बाद हम करेंगे स्मजिंग। Thank you.
नमस्कार दोस्तों, तो हमने यहाँ तक फोटो कंप्लीट किया है और आगे का जो वर्क है मैंने पॉज करके कंप्लीट किया है और आपको जो भी किया है स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सिखाऊंगा ताकि आपका टाइम भी बचे और सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ये प्रोसीजर क्या है, बहुत लंबा और लेंथली प्रोसेस है, तो आपका मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो, तो आपका टाइम भी बचे और चीज़ भी समझे क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है, आगे इसके आगे मैंने क्या किया कि फोटो की जो डिटेल थी आउटलाइन वगैरह, जो नाक के बाजू की, आँख की, कान की, लिप्स की, वो मैंने डायरेक्ट ब्रश लेके ड्रॉ किए हैं ताकि फोटो शार्प लगे। और आप देख सकते हैं गालों पे हल्का सा पिंक कलर मैंने ऐड कर दिया है ताकि वो ग्लो मिल सके। इसके बाद मैंने क्या किया है, न्यू लेयर क्रिएट करके हेयर पे, आईब्रो पे और आँखों में डायरेक्ट ब्लैक कलर मार दिया है। क्यों किया है आप ओरिजिनल देख सकते हैं, फोटो की पूरी वाट लग गई है और आप देख सकते हैं कि हेयर को इसी को ना तो हम दुरुस्त कर सकते हैं ना तो वैसे ही छोड़ सकते हैं, तो इसी पे मेहनत करने से अच्छा है कि एक ब्लैक कलर मार दे आँखों पे हो या हेयर पे और उसके बाद हम उसके ऊपर डिटेल ड्रॉ कर सकते हैं, वो आसान हो जाएगा, उसी में खेलते बैठेंगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी। तो आँखों में भी वो देख सकते हैं, यहाँ पे भी मिसिंग है तो पूरा मैंने ब्लैक कलर ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, डिटेल आँखों की डाल दी है। डिटेल क्या डाली है, तो सिंपली मैंने आँखों में 3 डॉट डाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 और कॉपी करके यहाँ पे 3 और लिप्स पे थोड़ी हाईलाइट ऐड कर दिए ताकि वो ग्लॉसी लगे। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, फोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। क्यों किया है, क्योंकि ये आप कैनवास के अकॉर्डिंग देख सकते हैं फोटो एकदम छोटा है, यहाँ पे बहुत जगह है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है, तो मैंने थोड़ा कंट्रोल टी करके बड़ा किया है, नीचे वाले को हाइड कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। इसके बाद मैंने क्या किया है, शर्ट की डिटेल ऐड कर दी है। और ये कैसे किया है, गूगल पे जाके एक न्यू लेयर अपना शर्ट, वाइट शर्ट डाल दिया, डाउनलोड कर दिया, इसी पोजिशन का आदमी देख लिया, उतना कट कर लिया, बाद में उसको स्मज करके पेंटिंग लुक दे दिया थोड़ा और ऐसा हुआ है और सेम पोजीशन पे है। इसके बाद फोटो को थोड़ा सा कलरफुल कर दिया है ताकि, और कहीं कहीं मिसिंग थी डिटेल वो मैंने समझ कर दी है। इसके बाद सैचुरेशन थोड़ा कम कर दिया है ताकि ये फोटो क्या है, एकदम कलरफुल लग रहा था और ये एकदम पिंक हुआ था, तो मैंने सैचुरेशन कम कर दिया। और एक चीज़ देख सकते हैं, मैंने हेयर भी ड्रॉ कर लिए है। और ये कैसे किया है, डायरेक्ट ब्रश लिया है, वाइट कलर लिया है और साइज एकदम छोटा करके छोटी 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 ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिए है, बाद में उसको थोड़ा स्मज कर दिया है, वो हो गया। अभी आप देख सकते कि फोटो का फोकस है, पूरे फोटो में है, मैं चाहता हूँ कि फेस पे हो, तो उसके लिए मैंने थोड़ा नीचे वो फेड ऐड कर दिया है, थोड़ा ग्रे कलर ऐड कर दिया है ताकि फोकस है जो फेस पे रहे। ठीक है, इसके बाद फेस पे मैंने हाईलाइट ऐड कर दिया है। कैसे ऐड कर दिया, ब्रश लिया है, वाइट कलर सिलेक्ट करके गालों पे थोड़ा थोड़ा डॉट डाल दिया है 10% ओपेसिटी करके, ताकि वो गाल भी थोड़ा ग्लॉसी लगे। और क्या किया है, इसके बाद न्यू लेयर क्रिएट करके आँखों के जो नीचे का ग्लो करने वाला पार्ट है वो ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने दूसरा शर्ट डाउनलोड कर लिया और ये सीधा शर्ट है। और ये ऐसा क्यों किया है, अभी आप आंखों के पोजीशन से देख सकते हैं कि फोटो एकदम सीधा देख रहे हैं ये आदमी। और उसके बाद ये शर्ट है वो तिरछे एंगल पे है, ऐसा नहीं सही नहीं लगता है, वो ठीक नहीं लगता है, तो मैंने दूसरा शर्ट डाउनलोड कर दिया, उस पर ऊपर ये कर दिया, हालांकि उसको भी स्मज कर लिया है, जो उस पर भी हाईलाइट ऐड कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुराने फोटो का शर्ट नीचे दिख रहा है, तो उसके ऊपर मैंने यहाँ की डिटेल ऐड कर दी है। ठीक है, दूसरे फोटो की। और उसके बाद पिंक कलर मैंने ऐड कर दिया, जहाँ जहाँ हाईलाइट है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो मैंने पिंक कलर ऐड कर दिया है और आपको इतना दिखेगा नहीं पर अच्छा सा ग्लो आ जाता है उससे। उसके बाद मैंने
बैकग्राउंड लिया है। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं एकदम डिसेंट लुक है, ज़्यादा पैच वर्क नहीं, डिस्को कलर नहीं, सिंपली यहाँ पे पिंक कलर, यहाँ पर्पल कलर, नीचे ग्रीन कलर, एकदम लाइट है, वो भी एकदम अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, उसमें मर्ज है वो। उसके बाद उस फोटो को ऊपर रखा है मैंने, और इस पर अभी करेक्शन करने की बारी है। ये शर्ट है बहुत लंबा है तो उसको थोड़ा बड़ा करना है, और इसके बाद मैंने छोटी छोटी डिटेल समझ कर दी है और फाइनल ये कर दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि फोटो का थोड़ा कलर बढ़ाया है और थोड़ा सा बड़ा किया है और सेंटर में रखा है, और एक बार फिर से मैंने रेनिमी ऐप में इनहांस करके लिया है, ताकि कस्टमर को जो चाहिए था ओरिजिनल लुक वाला फ़ोटो चाहिए था, तो मैंने एक बार फिर से इनहांस कर लिया है ताकि अच्छे से सभी डिटेल क्लियर और नेचुरल लगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ऐसा है। इसके बाद ओरिजिनल देखा था वो कैसा है, बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। हालांकि ये भी फोटो है और एनिमे का है, आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल फोटो है, कस्टमर ने दिया हुआ ऐसा फोटो है, इसके ऊपर हमने मेहनत किया है, वो कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि क्या किया है कैसे किया है। अभी आपको समझेगा कि आँख का डिटेल देखो, हेयर का डिटेल देखो, शर्ट का डिटेल देखो, मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया सभी चीज़ें, लिप्स का कलर वगैरह, एकदम नेचुरल लुक और एकदम डिसेंट और कलरफुल, कहीं पे कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कंपैरिजन करके कि कैसे किया है। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते ऐसे ही न्यू वीडियो में, और बने रहे अपने चैनल पे और दोस्तों के शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।